हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल अंडा करी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन गरम कर लिया है, उसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जीरा, धनिया, सौंफ, काली मिर्च। इन सारे मसालों को हम ड्राई भून लेंगे। एक लाल मिर्च, अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं। ये सारे मसाले भून जाएं तो गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम डालेंगे नारियल का पाउडर या ग्रेटेड नारियल। ग्रेटेड नारियल डालकर इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम कुछ और मसाले ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर। इन सारे मसालों को एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर लिए हैं मैंने बॉयल एग और कुछ पोटैटो। एग्स को इस तरह से हम कट लगा देंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर बराबर चले जाएं। इसे मैरिनेट करेंगे नमक, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च से। अब इसे बराबर टॉस कर लेंगे। यहाँ पर एक पैन को गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को गरम हो जाने देते हैं। अब मैरिनेटेड एग और पोटैटो को इसमें डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मैंने रोस्टेड एग्स को निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम थोड़ा और तेल डालेंगे और ये अनियन टमाटो की जो प्यूरी रेडी की थी हमने वो डाल देते हैं और इस प्यूरी को अच्छे से हमें भून लेना है। इसे ढक ढक कर लगभग 5 से 8 मिनट तक भूनना है। इसमें डालते हैं करी पत्ते और ये जो हमने सूखे मसाले भुने थे उनकी पेस्ट रेडी कर लेते हैं। थोड़ा पानी डालकर उसकी पेस्ट बना लेंगे। ये मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसालों की पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया के डंठल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम रोस्टेड एग और पोटैटो डालकर 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अभी एग और पोटैटो अच्छे से मिक्स हो गया है मसाले में। अब इसमें हम डालते हैं पानी। इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी यूज़ न करें। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब पानी डालकर इसे ढककर लगभग 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए अभी अब पक चुका है और सर्व करने के लिए रेडी है। इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लास्ट में डालेंगे धनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।